नमस्कार, मैं दीदी फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे आंवले के सेवन के बारे में। सर्दियों का मौसम कई तरह के इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। इस मौसम में आंवले का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, इसके साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये सर्दियों के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम को और भी बढ़ावा देने में आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। बता दें कि एसिडिटी, बालों के झड़ना या वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें आंवला आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आंवला आपके लिए कितनी सारी बीमारियों से आपको बचाता है। सबसे पहले, सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि लोगों को सांस से संबंधित तमाम बीमारी हो जाती है। ऐसे में आंवला एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इससे एक प्रकृति उपचार हो सकता है जो रेस्पिरेटरी हेल्थ को बनाए रखने और सांस लेने की परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है। सर्दियों के दिनों में त्वचा से संबंधी तमाम बीमारियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से आंवला आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इन दिनों में आपके शरीर को विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर आंवला आपकी त्वचा को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। यह आपके लिए कोलेजन को भी बढ़ावा देता है। ठंड का मौसम जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है, लेकिन आंवले के सूजन रोधी गुण राहत प्रदान कर सकते हैं, जिससे ये सर्दियों के कारण होने वाली जड़ों की परेशानी में से जूझ रहे लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए अब बात करते हैं कि आंवले के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले, आंवले का सेवन दिल के मरीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवले का सेवन उनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर आपको भी कुछ ऐसे खाने से एसिडिटी की परेशानी होती है, तो आंवले के मुरब्बे का सेवन आप बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही पानी की कमी वाले लोगों को भी आंवले का सेवन खतरनाक हो सकता है। इससे बॉडी में ड्राइनेस का कारण भी बन सकता है। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को भी आंवले से दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको बता दें कि सभी चीजों के दो पहलू होते हैं, इसलिए सभी चीजों को सही मात्रा में ही आपको लेना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।